चिंकी की नई ड्रेस। बड़ों से कुछ मांगना हो तो बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि बड़ों की बोलती ही बंद हो जाती है। एक शाम चिंकी कबर्ड खोलकर अपने कपड़े देख रही थी। कितने पुराने कपड़े हैं मेरे पास, एक भी नई ड्रेस नहीं। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया। आइडिया? मम्मी से नई ड्रेस मांगने का इससे बेटर आइडिया तो हो ही नहीं सकता। इधर मम्मी रूम के सामने से गुजर रही थी, अचानक उनका ध्यान अंदर गया। चिंकी कहाँ गायब हो गई? अभी तो कबर्ड खोलकर खड़ी थी। मम्मी अंदर कबर्ड के सामने आकर खड़ी हो गई और इधर उधर चिंकी को देखने लगी। तभी अचानक कबर्ड मम्मी से बोला, क्या आंटी चिंकी को ढूंढ रही हो? पहले तो आवाज सुनकर मम्मी एकदम डर गई थी, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोली, हाँ चिंकी का रूम है ना, चिंकी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं कबर्ड, मैं चिंकी के कपड़ों का कबर्ड बोल रही हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। ये सुनकर तो मम्मी की हंसी फूटने वाली थी। ओह, तो तुम कबर्ड बोल रहे हो? कबर्ड, क्या तुम बता सकते हो मेरी चिंकी कहाँ है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुझे भूख लगी है, मेरा पेट बिल्कुल खाली है। कितने दिन हो गए, एक भी नई ड्रेस नहीं आई। पहले नई ड्रेस ला कर दो, फिर बोलूँगी चिंकी कहाँ है। ये सुनकर मम्मी ड्रामा करती हुई बोली, अरे उसी के लिए तो ढूंढ रही थी, उसे शॉपिंग ले जाना था, लेकिन छोड़ो, नई ड्रेस कैंसिल। जैसे ही कबर्ड ने कैंसिल वाली बात सुनी, कबर्ड का मुँह एकदम से खुल गया और कबर्ड में बैठी चिंकी जोर से चिल्लाई, क्या मम्मी आप हमेशा ऐसा करती हो, गट्टू कुछ मांगता है तो फट से मान जाती हो। चिंकी को ऐसा देखकर मम्मी की हंसी फूट गई, वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसते ही चिंकी को नई ड्रेस लाने की बात भी फाइनल हो गई। सैटरडे शाम की बात है, पापा ऑफिस से आए तो मम्मी हॉल में तैयार बैठी थी। अरे तुम चिंकी को शॉपिंग लेकर जाने वाली थी ना, गई नहीं? चिंकी आए तो जाऊँ ना, चिंकी तो नीचे गट्टू के साथ खेल रही है। तो गट्टू चिंकी सोसाइटी कैंपस में खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और मम्मी हाथ में पर्स लेकर सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या चिंकी, कब से ऊपर वेट कर रही हूँ तुम्हारा? ओ मम्मी सॉरी, खेल खेल में तो भूल ही गई थी हमें शॉपिंग करने भी जाना है, ये सब इस गट्टू की वजह से हुआ। अब यहाँ खड़े खड़े झगड़ा मत शुरू करो, जाओ गट्टू भागो, हमारे लिए रिक्शा लेकर आओ। गट्टू मिल्खा की स्पीड से भागा और बाहर से एक रिक्शा सोसाइटी में लेकर आया। मम्मी और चिंकी रिक्शे में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल पड़े। मॉल में आकर मम्मी छोटी मोटी शॉपिंग करने लगी, चिंकी बेचारी ड्रेस सेक्शन में जाने के लिए बेकरार थी। मम्मी चलो। और चिंकी मम्मी को लेकर किड्स कॉर्नर पहुंची गई, जहां काफी सारे अलग अलग आकर्षक ड्रेस बच्चों को एक्साइटेड कर रहे थे। चलो जो चाहिए वो ड्रेस चूज कर लो। लेकिन इतनी सारी नई नई ड्रेसेस और ट्रेंडी फैशंस देखकर बेचारी चिंकी कंफ्यूज हो गई थी। ये वाली लू या फिर वो वाली, या फिर पूरी दुकान ही लू। इस प्रकार चिंकी उलझन में फंसी थी कि तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर पड़ी और उसके दिमाग से बाकी सारे ड्रेस आउट हो गए। वाओ सो नाइस, ये वाली ड्रेस तो मैंने किसी के पास नहीं देखी, एकदम नया वाला फैशन है, ये ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी वो ड्रेस उठाने ही वाली थी कि तभी झट से वो ड्रेस एक दूसरी लड़की ने खींच लिया। अरे ये मैं लेने वाली हूँ। ओए हटो, ये ड्रेस तो मेरी है। नहीं मेरी है। और इस प्रकार दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। उनका झगड़ा सुनकर मैनेजर और मम्मी भी वहाँ आ पहुँची। मम्मी देखो ना, ये ड्रेस मैंने पहले पसंद की और ये लड़की मान ही नहीं रही। डोंट वरी, ऐसा दूसरा ड्रेस भी होगा यहाँ पर। सॉरी मैम, ये सिंगल पीस ही अवेलेबल है। फिर तो ये ड्रेस मुझे ही चाहिए। चिंकी बेटा, और भी तो बहुत ड्रेस हैं, तुम वो ट्राई करो। नहीं मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, मिंकी। सबने पीछे देखा तो पीछे मिंकी की मम्मी खड़ी थी। मम्मी मुझे यही ड्रेस चाहिए। तभी चिंकी की मम्मी मिंकी की मम्मी से बोली, अरे सरला तू पहचाना मुझे? कैसे नहीं पहचानूंगी यार, 3 साल कॉलेज में एक साथ बिताए हैं हमने, तू शॉपिंग करने आई है क्या? हाँ ये मेरी बेटी है चिंकी, इसे जो ड्रेस पसंद आई वो ड्रेस तुम्हारी मिंकी को भी पसंद आई, बोलो अब क्या करें? अरे डोंट वरी, मिंकी की चॉइस हर सेकंड बदलती रहती है। कि चलो उस कॉर्नर में लेटेस्ट डिजाइन वाली ड्रेसेस है।
ये सुनते ही मिंकी ने चिंकी के हाथ में वो वाली ड्रेस थमा दी और दूसरे कॉर्नर की तरफ भाग गई। देखा, चल अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे और किसी दिन। ऐसा कहकर मिंकी की मम्मी तो निकल गई, लेकिन चिंकी ड्रेस मिलने के बाद भी नाराज खड़ी थी। अब क्या तुम्हारी भी चॉइस बदल गई? नहीं, मुझे यही ड्रेस पसंद है, लेकिन इसको लेकर अभी कितना ड्रामा हुआ यहाँ। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, लाइफ है तो होता रहता है। कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो क्या मजा, मजा तो कोई भी चीज स्ट्रगल करके हासिल करने में होता है। जाओ ड्रेस ट्राई करो। चिंकी भागते हुए ट्रायल रूम में गई और फटाफट नई वाली ड्रेस पहनकर बाहर आई। नई वाली ड्रेस में चिंकी एकदम परी लग रही थी। परफेक्ट, चलो अब दो दो प्लेट चाट पकौड़ी खाते हैं और फिर घर चलते हैं, चलें? हाँ, चलो। चश्मिश चिंकी। आजकल के फैशन को लेकर बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें अपनी बुरी आदतें भी ध्यान में नहीं आती। जैसा सबके साथ होता है, वैसा खुद के साथ हो जाए तो उन्हें वो बात नॉर्मल लग जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कुछ हमारी चिंकी के साथ हुआ है। सुबह सुबह मम्मी पापा के साथ नाश्ता करते हुए चिंकी ने एक्साइटेड होकर कहा, मम्मी पापा, हम इस सैटरडे आर्ट गैलरी जा रहे हैं। स्कूल टीचर ने कल ही हमें बताया, बहुत मजा आएगा, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। हाँ, कितना अच्छा हुआ ना, स्कूल प्रिंसिपल ने हमारे डिविजन के लिए भी आर्ट गैलरी में जाने की परमिशन दे दी। गट्टू और चिंकी की बातें सुनकर पापा ने कहा, अच्छी बात है बच्चों, ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना ही चाहिए। अच्छी बात है, गुड गुड। पापा, लेकिन सैटरडे से पहले मेरा चश्मा तो आ जाएगा ना? मुझे अपना चश्मा पहनकर ही आर्ट गैलरी में जाना है। पहली बार जा रही हूँ तो चश्मा पहनकर ही जाऊंगी, वरना मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ चिंकी बेटा, चश्मा जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन तुम मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताना कम करो, मोबाइल की वजह से ही तुम्हें चश्मा लगा है। ठीक है ना मम्मी, चश्मा तो फैशन का ही हिस्सा है। अच्छा लगेगा चिंकी पर नया चश्मा, लेकिन चिंकी तो चश्मिश हो जाएगी। गट्टू चिंकी ने झटपट अपना नाश्ता कंप्लीट किया। शुक्रवार के दिन पापा ने चिंकी का नया नंबर वाला चश्मा चिंकी को दिया। चिंकी तो अपने चश्मे के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने चश्मा पहनकर देखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। मम्मी गट्टू और चिंकी के लिए रूम में पानी रखने के लिए आई, तब देखा कि चिंकी आईने के सामने खड़ी होकर काफी देर तक खुद को देख रही है। मम्मी ने कहा, चलो बेटा, सोना नहीं है क्या? मम्मी देखो ना, कितना फैंसी लग रहा है मेरा चश्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा फ्रेम। मैं एक और फ्रेम बना के रखूंगी ताकि अदल बदल कर पहन सकूं। चिंकी की बात पर मम्मी को हैरानी हुई कि चिंकी अपने कमजोर नजर को लेकर दुखी होने के बजाय नए चश्मे की फैशन के नाम पर खुश हो रही है। चिंकी को मम्मी ने इस वक्त कुछ नहीं बोला और सोने के लिए चली गई। शनिवार के दिन जैसा तय हुआ था, गट्टू चिंकी अपने बाकी दोस्तों के साथ आर्ट गैलरी पहुंचे। आर्ट गैलरी वाकई काफी बड़ी थी। गट्टू चिंकी और उनके दोस्त पहली बार इस तरह की आर्ट गैलरी देखने आए हैं। हर जगह बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और पुराने स्टैचूज रखे हैं। जिस तरह आर्ट गैलरी में मौजूद पुरानी चीजों ने सभी को अट्रैक्ट किया, उसी तरह चिंकी के चमकदार और फैंसी चश्मे ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वाओ चिंकी, कितना अच्छा चश्मा है तुम्हारा, बहुत ही फैंसी है। सच में चिंकी, बहुत अच्छी दिख रही हो तुम इस चश्मे में। मैं भी मम्मी से बोलकर चश्मा बना लूंगी और कहूंगी कि मेरी भी नजर कमजोर हो गई है। गुड्डी के इस बात पर गट्टू चिंकी बंटी भूषण हरी सभी लोग हंसने लगे। यहाँ घर पर मम्मी चिंकी को लगे चश्मे के बारे में सोच रही है, और अब मम्मी ने गट्टू चिंकी के नानी को फोन किया और चिंकी को लगे चश्मे की बात बताई। नानी को भी हैरानी हुई। अरे चिंकी को इतनी जल्दी चश्मा कैसे लग गया, अभी उसकी उम्र ही क्या है। चिंकी से कहना अपनी कुछ आदतें बदले, कच्ची उम्र में चश्मा लगा है तो वो निकल भी जाएगा, थोड़ा बहुत योगा करेगी तो नजर तेज हो जाएगी उसकी। मम्मी को नानी की बात ठीक लगी और वो सोचने लगी कि चिंकी स्कूल से आते ही मम्मी के या पापा के फोन पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है और लगातार गेम खेलती रहती है। शाम को स्कूल से वापस आने के बाद चिंकी ने मम्मी का फोन लिया और हर रोज की तरह आज भी मोबाइल पर गेम खेलने लगी। गट्टू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए नीचे चला गया, लेकिन चिंकी ने अपना हाथ का मोबाइल नहीं छोड़ा। मम्मी किचन में काम कर रही है, जानती है कि चिंकी गट्टू के साथ खेलने नहीं गई है।
और हॉल में बैठकर मोबाइल पर ही लगी है। तभी मम्मी ने कहा, चिंकी बेटा मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। चिंकी ने भी देखा कि मोबाइल में चार्ज नहीं है और मम्मी के पास किचन में चली गई और चार्ज पर लगाकर मोबाइल में खेलने लगी। हद होती है बेटा, यही वजह है कि तुम्हें चश्मा लग गया। नानी ने भी डांटा है तुम्हें, तुम्हें योगा करना चाहिए, ना कि इस तरह से घंटों मोबाइल में गेम खेलना चाहिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरा चश्मा अच्छा लगा और चश्मा तो हर किसी को लग जाता है, मुझे अच्छा लगता है चश्मा मम्मी। चिंकी के बातों से मम्मी एक बार फिर हैरान हो गई। अगले दिन रविवार को गट्टू और चिंकी के साथ मम्मी बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए आई। चिंकी अपना चश्मा पहनना बिल्कुल नहीं भूली। बाजार में एक बूढ़ी औरत रास्ता क्रॉस कर रही थी और देखकर समझ आ रहा था कि उस बूढ़ी औरत की नजर कमजोर है और वो ठीक से चल नहीं पा रही है। तभी रास्ते से चल रहे एक भैया ने उस बूढ़ी औरत को हाथ देकर रास्ता पार करने में मदद की। गट्टू चिंकी और मम्मी ने भी देखा और मम्मी चिंकी को समझाते हुए कहने लगी, देखा चिंकी, नजर कमजोर होने से कितनी परेशानियां होती हैं, वो बेचारी अपना रास्ता भी क्रॉस नहीं कर पाई। मम्मी की बात से चिंकी एकदम सहम गई। गट्टू को भी मम्मी की बात ठीक लगी। गट्टू चिंकी और मम्मी बाजार से घर लौटे, तब घर पर गट्टू चिंकी की मासी आई। चश्मेश चिंकी, दीदी चिंकी को चश्मा कैसे लग गया? ये तो ठीक बात नहीं बेटा, तुम्हें आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी। चश्मेश चिंकी, तुझे हमेशा बस अपना चश्मा ढूंढते रहना पड़ जाएगा, मासी मजाक करते हुए कहने लगी। चिंकी को एहसास हो रहा था कि वो गलत सोच रही थी। उसने कहा, हाँ मासी, आगे चलकर तो मैं खुद रोड भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। मम्मी समझ गई कि उनके बात का असर चिंकी पर जरूर हुआ है। और नहीं तो क्या, स्कूल से आते ही मोबाइल पर गेम खेलते रहती है और नजर कमजोर हो गई है। नहीं मम्मी, अब मैं मोबाइल पर बिल्कुल भी गेम नहीं खेलूंगी। मम्मी मुझे चश्मा हमेशा के लिए निकालना है, मैं मेरी नज़र तेज करना चाहती हूँ। हाँ चिंकी, कल ही हमारे योगा टीचर से नज़र तेज होने के लिए एक्सरसाइज पूछ लेना। हाँ बाबा, मुझे तो कमजोर इंसानों की मदद करनी है ना कि खुद कमजोर होना है। चश्मा तो निकलना ही चाहिए, मैं योगा करूँगी और जरूर अपनी नज़र तेज करूँगी। अगले दिन चिंकी ने अपने योगा टीचर से बात की और तेज नजर होने के लिए कुछ योगासन सीख लिए। चिंकी हर दिन घर के टेरिस पर जाकर योगा करती, जिससे सुबह की पहली किरण नजर पर पड़ती। धीरे धीरे चिंकी का चश्मे का नंबर भी कम हो गया। एक महीने बाद चिंकी मम्मी पापा और गट्टू के साथ आंखों के हॉस्पिटल में गई, जहां उसने अपनी आंखें पहली बार चेक करवाए। क्या बात है चिंकी बेटा, तुम्हारा नंबर तो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। हाँ, क्योंकि चश्मेश चिंकी ने हर दिन नजर तेज होने के लिए योगा जो शुरू किया है। डॉक्टर ने चिंकी की तारीफ की और चिंकी ने भी प्रॉमिस किया कि वो ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करेगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।